हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जिस ग्रुप का इतिहास 7 दशक से भी ज़्यादा का हो, जिसका कारोबार 20 बिलियन डॉलर का हो, जिसकी मौजूदगी 100 से भी ज़्यादा देशों में हो, जिसकी 150 से भी ज़्यादा कंपनीज हो और जिसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हो, उसे महिंद्रा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की एक ऐसी कंपनी है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। जब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने महिंद्रा की एक से बढ़कर एक स्टाइलिश लुक वाली एसयूवीज आती है, फिर चाहे वो एक्सयूवी 500 हो, बोलेरो हो या फिर स्कॉर्पियो हो। इससे बढ़कर भी महिंद्रा आज कार मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। आज महिंद्रा ग्रुप बोर्ड्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट, स्टील, फाइनेंस सर्विसेज जैसे कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए महिंद्रा की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, महिंद्रा का जन्मदाता है जगदीश चंद्र महिंद्रा। जैसी महिंद्रा का जन्म 1892 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। जैसी 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जब वो छोटे थे तभी उनके पिता ने इस दुनिया को छोड़ दिया था, जिसके बाद घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर की पूरी जिम्मेदारी जगदीश चंद्र महिंद्रा ने अपने ऊपर ले ली। जैसी पढ़ाई को बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने 8 भाई बहनों को खूब पढ़ाया। उन्होंने खुद भी विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बॉम्बे से बैचलर की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो टाटा स्टील के साथ 1929 में जुड़ गए। वहाँ पे उन्होंने बतौर सीनियर सेल्स मैनेजर काम किया। एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद करीबन 1945 में जैसी महिंद्रा ने गुलाब मोहम्मद के साथ मिलकर बम्बई में एक स्टील कंपनी शुरू की। 2 साल बाद यानी कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। गुलाब मोहम्मद ने आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया और वो महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद इस कंपनी का नाम बदल कर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया। पर आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद हार्ट अटैक से जेसी महिंद्रा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद महिंद्रा की जिम्मेदारी जेसी के छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा ने संभाली। 1954 में महिंद्रा एंड महिंद्रा को विलिस जीप बनाने का लाइसेंस मिला और कुछ ही सालों में महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडियाज लार्जेस्ट जीप मैन्युफैक्चरर बन गए। सन 1963 में कैलाश महिंद्रा ने भी इस दुनिया को और महिंद्रा एंड महिंद्रा को अलविदा कह दिया, जिसके बाद महिंद्रा ग्रुप के नए चेयरमैन बने जेसी महिंद्रा के बेटे केशुभ महिंद्रा। आगे चलकर 1963 में महिंद्रा ने इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी यूएसए के साथ मिलकर इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी ऑफ इंडिया की शुरुआत की, जिससे कंपनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में दाखिल हुई। आगे चलकर एग्रीकल्चर से जुड़ी कई सारी प्रोडक्ट्स का निर्माण भी महिंद्रा एंड महिंद्रा करने लगी। 1965 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने छोटे कॉमर्शियल व्हीकल बनाना भी शुरू किया। आगे लगभग 30 साल महिंद्रा ग्रुप ने कार मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में नए नए कदम बढ़ाए और नई नई सफलताएं हासिल की, जिसके बाद 1991 में कंपनी ने कमांडर साइज व्हीकल बनाना शुरू किया। दोस्तों, बता दें कि कमांडर व्हीकल उसे कहते हैं जिसकी लेंथ 4.87 मीटर से ज़्यादा हो। इसे हम आम भाषा में एसयूवीज कहते हैं। 1991 में ही आनंद महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। आनंद महिंद्रा की लीडरशिप में कंपनी ने फाइनेंस सर्विसेज में भी कदम रखा और सन 1995 में महिंद्रा होल्डिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की शुरुआत हुई। साल 2000 में महिंद्रा ने 7x9 सीटर 5.25 लीटर आईडिया इंजन वाली एसयूवी लॉन्च की, जिसे आज हम बोलेरो के नाम से जानते हैं। 2 साल बाद महिंद्रा ने एक और सफल मॉडल स्कॉर्पियो लॉन्च किया। दोस्तों, आनंद महिंद्रा 1997 में महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, 2001 में वाइस चेयरमैन बने और फाइनली 2012 में कंपनी के चेयरमैन बने। आज महिंद्रा का पूरा दारमदार आनंद महिंद्रा के ऊपर है। दोस्तों, आज महिंद्रा का बिजनेस कुल 22 सेक्टर्स में फैला हुआ है। उसमें से पहला है एरोस्पेस, जिसके अंतर्गत महिंद्रा के एयरप्लेन्स, एडवेंचर एयर एम्बुलेंस और एनिमल रेस्क्यू जैसे सर्विसेज चलाते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत एयरफ्रेम पार्ट्स और असेंबली का निर्माण भी किया जाता है। दूसरा सेक्टर है आफ्टर मार्केट, जिसके अंतर्गत महिंद्रा कई सारी कार्स के स्पेयर पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करता है। तीसरा है क्लीन एनर्जी, जिसके तहत महिंद्रा सोलर सेल से पावर जनरेशन के क्षेत्र में कार्यरत है। चौथा सेक्टर है बोट्स, जिसके तहत महिंद्रा एंड महिंद्रा सी व्हीकल्स का निर्माण करती है। पांचवा है फार्म इक्विपमेंट, जिसके अंतर्गत महिंद्रा फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। छठा सेक्टर है ऑटोमोटिव, जिसके अंतर्गत महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आता है। सातवां सेक्टर है ट्रक एंड बसेज, जिसमें महिंद्रा ट्रक और बसेज जैसे हैवी व्हीकल्स का निर्माण करती है। आठवां सेक्टर है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसमें अर्थ मूवर जैसे हैवी ड्यूटी व्हीकल शामिल है। इन 8 सेक्टर के अलावा बाकी के 14 सेक्टर में एग्री इंडस्ट्री, कंसल्टिंग, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, लॉजिस्टिक, पावर बैकअप, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल हाउसिंग फाइनेंस, स्टील,
टू व्हीलर्स और व्हीकल एंड इक्विपमेंट फाइनेंस शामिल है। दोस्तों, इतने सारे सेक्टर्स में पैर जमाना कोई आसान बात नहीं होती। ये एक मुकाम है जो महिंद्रा के लीडर्स और इंजीनियर की सोच, प्रिंसिपल्स, विजन और पॉलिसीज का परिणाम है। तो दोस्तों, ये थी महिंद्रा ग्रुप की अमेजिंग स्टोरी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।